हाय स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ डीवीएस इंटर कॉलेज। प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द केमिकल इक्वेशन। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। कितने टाइप केमिकल इक्वेशन होते हैं? यू नो केमिकल इक्वेशन आर टू टाइप। फर्स्ट अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, या फिर इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और सेकेंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अब समझने का प्रयास करेंगे होता क्या है ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यू नो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल, ध्यान दीजिएगा इस बात का, इज नॉट इक्वल टू दैट साइड टू दैट ऑन द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन जब आप लिखते हो तो केमिकल इक्वेशन लिखने के दौरान एक बात का ध्यान दीजिएगा कि पहले जब आप जनरली राइट करते हो, जनरली राइट करने की वजह से क्या होता है कि रिएक्टेंट के साइड का टोटल नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के साइड के टोटल नंबर ऑफ एटम के इक्वल नहीं होता है। ये मत समझिएगा सबको एक साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, अलग अलग। जैसे अभी मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ उसमें कि एमजी है मैग्नीशियम और ये रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, फॉर्मेशन क्या कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नीशियम का सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के दो एटम प्रेजेंट हैं, और जब हम प्रोडक्ट के साइड जा रहे हैं तो मैग्नीशियम का हमें सिर्फ एक एटम मिल रहा है और ऑक्सीजन का भी हमें एक एटम मिल रहा है। यहाँ मैं आपको ग्राफ बना के दिखाया हूँ, आप भी ऐसे ही ग्राफ बनाइए और बना के चेक करिएगा। पहले आप एलिमेंट लिखिए, एलिमेंट कौन कौन सा आपने लिया है, मैग्नीशियम लिया है और ऑक्सीजन लिया है। रिएक्टेंट साइड में दोनों का नंबर लिखिए कि कौन कितने एटम पाए गए हैं, तो आप देखेंगे कि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का एक एटम पाया गया है और ऑक्सीजन का दो एटम पाया गया है। लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट में आपने क्या देखा, प्रोडक्ट में आपने देखा कि मैग्नीशियम का वहाँ एक एटम था और ऑक्सीजन का भी वहाँ एक एटम था। तो यहाँ क्या मिला आपको, एक ऐसा इक्वेशन है अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। क्या होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, दोज इक्वेशन, ठीक है ना, या अ केमिकल इक्वेशन इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में पाए जाने वाला टोटल नंबर ऑफ एटम इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट माने रिएक्टेंट में पाए जाने वाले जितने भी एटम हैं वह प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ एटम के इक्वल ना हो तो समझ लीजिएगा वो कैसा इक्वेशन है, वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। क्लियर, आइए हम एक दूसरे एग्जांपल द्वारा समझते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखा है CH4+O2 गिव्स CO2+H2O, मेथेन का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर वेपर मिला। अब सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, तीन ग्राफ बना लेंगे जिसमें एक में एलिमेंट आप लिखेंगे, एलिमेंट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन मिला है आपको, हाइड्रोजन मिला है और ऑक्सीजन मिला है। नेक्स्ट पॉइंट प्रोडक्ट में आप जाएंगे, प्रोडक्ट में आप देखेंगे यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, मतलब सब में सेम रहेगा दोनों साइड, ठीक है ना, एलिमेंट तो सेम रहेंगे क्योंकि नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय होता है ना, पता ही आपको है, लेकिन नंबर सेम नहीं रहेंगे अनबैलेंस में। अब नंबर मिलाते हैं, अब आप देखिए कार्बन कितना प्रेजेंट है, एक, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, चार, ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, दो। अब इधर आइए कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, यहाँ पर एक, ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, दो, यहाँ हो गया दो और एक, दोनों ऐड कर दीजिएगा कितने हो गए, तीन। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर दिए गए हैं, दो। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, अब देखिए यहाँ कार्बन की बात करें तो कार्बन रिएक्टेंट में भी वन है और प्रोडक्ट में भी वन है। क्लियर,
हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4 है, लेकिन कहाँ प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये बराबर नहीं है, अनबैलेंस हो गया है। इसे देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 3 है, ठीक है ना। मतलब इस पार्टिकुलर एटम इज नॉट इक्वल टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अगर बराबर नहीं है तो समझ लीजिएगा यही केमिकल इक्वेशन कौन सा इक्वेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप देख रहे हैं ना, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कार्बन तो सेम है, ठीक है, कार्बन बराबर हो गया, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, हाइड्रोजन बराबर नहीं है, क्लियर ना। यहाँ पर हाइड्रोजन बराबर नहीं है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। इच एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू इच एटम ऑफ प्रोडक्ट अगर बराबर हो गया तब तो क्या कहलाएगा, तभी वो कहलाएगा, ठीक है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नहीं तो कौन सा इक्वेशन रहेगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब तो क्लियर हो गया डिफिनीशन, ठीक है ना। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इज रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। क्लियर, होम असाइनमेंट बोथ वीडियो का राइट कर लीजिएगा दोनों। फर्स्ट पॉइंट यू लर्न द ऑल, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि लर्न कर लीजिए आप लोग, वैलेंसी वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to 30 एलिमेंट। सेकेंड, डिफिनीशन ऑफ बैलेंस इक्वेशन अनबैलेंस इक्वेशन एंड इज नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि यू नोट्स प्रिपेयर फ्रॉम दिस वीडियो, व्हेन द स्कूल ओपन देन आई मेक या आई विल प्रिपेयर द नोट्स प्रॉपरली, दिस इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैक्सिमम टाइम सीन द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर, ओके, थैंक यू।